वायरल है ये फेक वाइफ। भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव इन दिनों अपनी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी को लेकर चर्चाओं में हैं। एक नेशनल डेली के मुताबिक उनकी को एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने उनसे प्यार का इजहार किया है। सोशल मीडिया में एक्ट्रेस आम्रपाली और पाखी हेगड़े का नाम इनकी वाइफ के रूप में वायरल है। निरहुआ की शादी को लेकर फैमिली से बात की, जाने कौन है इस भोजपुरी एक्टर की रियल वाइफ। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ गाजीपुर के छोटे से गांव टंडवा से ताल्लुक रखते हैं। आम्रपाली और निरहुआ की रिलेशनशिप पर इनकी मां चंद्रज्योति देवी ने बताया, कोई लड़की कुछ भी कहे लेकिन मेरा बेटा पहले से शादीशुदा है। साल 2000 में हमने उसकी शादी करवाई थी। मेरी बहू का नाम मंशा है और वो बेटे के साथ मुंबई में ही रहती है। मेरे दो पोते भी हैं आदित्य और अमित, वो भी मुंबई में ही रहते हैं। खुद चंद्रज्योति देवी क्यों बेटे के साथ नहीं रहती, इस पर उन्होंने बताया, मैं वहाँ आती जाती रहती हूँ, यहाँ हमारी खेती बाड़ी है, उसका भी ध्यान रखना है। दोनों बेटे मुंबई में हैं, मैं देख रेख के लिए यहाँ आती रहती हूँ। भैंस पर बैठकर करते थे रियाज, निरहुआ की माँ बताती हैं। दिनेश को बचपन से ही गीत संगीत का शौक था, वो कभी रियाज से नहीं चूकता था। भैंस से चराते वक्त भी उनकी पीठ पर बैठकर गाने गाता था। मेरे पति चाहते थे कि दिनेश पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, लेकिन वो एक्टर बनना चाहता था। वो अपने रिश्ते के बड़े भाई और बिरहा सिंगर विजलाल यादव को फॉलो करता था। पिता ने की थी दो शादियां, चंद्रज्योति ने बताया, मेरे पति कुमार यादव ने दो शादियां की, मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। पहली पत्नी के निधन के बाद मुझसे शादी की थी। मेरे पति और उनकी पहली पत्नी की दो बेटियां हुई सुशीला और आशा, दोनों की शादी हो चुकी है, हम उनसे ज्यादा व्यवहार नहीं रखते। दिनेश के अलावा मेरे दो और बच्चे हैं, बेटा परवेश मुंबई में ही रहता है और बेटी ललिता की शादी हो चुकी है कोलकाता में। शुरुआती पढ़ा निरहुआ की मां ने बताया, खर्च निकालने के लिए इसके के पिता मुझे और तीनों बेटियों को गाजीपुर छोड़ कोलकाता गए थे। वे वहां 3,500 रुपए वेतन पर मजदूरी करते थे और झोपड़पट्टी में रहते थे। दिनेश ज्यादातर गाजीपुर से बाहर ही रहा है, उसकी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से हुई, उसने यहां के मलिकपुरा कॉलेज से बीकॉम किया है। मेरे बेटे को क्रिकेट का शौक भी है, वो यहाँ के मैदानों में खूब चौके छक्के